आए दिन अस्पतालों में हो रही लापरवाही के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, ऐसा ही एक मामला सोनीपत के बहालगढ़ के पास फर्म्स अस्पताल में महिला के इलाज में लापरवाही बरतने का सामने आया है। देखिए क्या है पूरा मामला। महेश राज गोयल है, ये श्याम नगर ककरौल रोड सोनीपत का रहने वाला है। इसने अधिकारियों को दरखास्त दी थी 2019 में कि मेरी पत्नी ललिता भाई जनरल वीकनेस फीवर वगैरह के कारण 17 जनवरी 2018 को फिम्स हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। एडमिट के समय उसकी कंडीशन नॉर्मल थी और डॉक्टरों ने इसके इलाज में लापरवाही की, उसकी स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई, जिसको महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल दिल्ली में रेफर किया गया और जहाँ पर 22 जनवरी 2018 को वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। जिस दरखास्त की जांच मेडिकल बोर्ड द्वारा सिविल हॉस्पिटल में की गई, जिसमें उसने डॉक्टर द्वारा लापरवाही करने बारे रिपोर्ट में अंकित किया था, जिस संबंध में FIR नंबर 75 रजिस्टर की गई थाना राय में और इसकी तफ्तीश की जा रही है। किस धारा की तहत ये 304A लापरवाही में मृत्यु होने के कारण से धारा 304A IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया है। डॉक्टर अनिल जैन, डॉक्टर संदीप जैन, डॉक्टर श्रीकांत रंगनाथ खाके और महिपाल सिंह एडमिशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इनके खिलाफ दर्ज किया गया है। कब तक गिरफ्तारी होगी? इसमें अभी संबंधित हॉस्पिटल से रिकॉर्ड लेकर के और इसमें मामले को शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। भारत 9 के लिए सोनीपत से पवन राठी की रिपोर्ट।